खाते खाते स्वस्थ हो गए। आपका बेटा बहुत खुश था। हाँ खुश था, अरे लड़का बहुत खुश है, बहुत खुश था कि पापा मेरे बच गए। अरे उस पूरे परिवार निराश हो गए ना कि एकदम ठीक ना हो पाइए नबे। अब लड़का कहे कि शुगर ऐसा चीज़ है कि सबक धीरे धीरे गला देता है, लेकिन दवा ऐसा मिल गया हमको कि अब एकदम पहले की तरह हो गया। पहले दवा किए होंगे बहुत जगह लाल जी भैया? पहले दवा अंग्रेजी फंग्रेजी खाते रहे, वो अंग्रेजी से कोई दवा हमें सूटा नहीं करता। जब से आयुर्वेदिक दवा हम खाए लगे तब से हम फिर जैसे कि तैसे शरीर हमारा स्वस्थ होगा एकदम फर्स्ट क्लास का भाई। और दो चार देने के लिए आके भी आए, सब जने स्वस्थ बहन गाँवपुर के सब हमारे खुशहाल बहन अड़ोस पड़ोस के यार कहाँ से ले ला कैसे ले ला दवा तो बताए सब अलन गईने सब लिख देते हैं दवा विकास गाँव के अंदर बेनीपुर में सब जानकारी। बेनीपुर में सब लोग ठीक हो रहा है? सब ठीक हो रहा है। अच्छा लाल जी भैया कितना दिन पहले से दवा कर रहे थे आप? अरे अंग्रेजी दवा हम साल भर किए, कुछ सुधार नहीं, धीरे धीरे गलते चले जाते हैं, गलते चले तो अंग्रेजी दवा से सूटर नहीं किया, और आयुर्वेदिक जब से कर रहे हैं तब से बहुत सही हो गए हम। आयुर्वेदिक दवा जब से हम कर रहे हैं तब से बहुत ठीक है। नहीं कितना दिन पहले दवा किए थे? अरे हम तो एक साल से अंग्रेजी दवा खाते खाते एकदम स्वस्थ हो गए। लोगों को कहें कि अंग्रेजी दवा खाओगे किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, सब खराब हो ही रहा था। हाँ तो यहाँ पर हम आ गए, डॉक्टर साहब उचित राय दे लें, उसके हम इस्तेमाल किए और तब तक तो हम स्वस्थ होते होते फिट होते हैं। मतलब दो साल बीमार थे आप, दो साल तीन साल राउंड मारे दवाई हर जगह दवा की है। अरे बहुत कौनो ऐसा मेडिकल से और रात ला बड़े बड़े राम आश्रय के गए दुबे डॉक्टर हैं रात ला में, और चारों बगल डॉक्टर एक से एक नामी हैं, सब जाते जाते सब थक गए, दवा सूट नहीं कर रहा था। जब अंग्रेजी आयुर्वेदिक दवा खाने शुरू करती है तब हम शरीर हमारा स्वस्थ हो गया। यहाँ कैसे आ गए थे? अरे वही सड़क पर आ रहे थे। हाँ। और हमने देखा तीन शुगर और गैस तीन दिन में आराम। हम तो बहुत परेशान थे, अथाह थे, जोड़ने का शक्ति नहीं था, और उसी जगह थोड़ा सूची खा रहे थे मर के, देखते साइन बोर्ड बहुत बड़ा लिखा था, हम तो उसी मरज में फंसे हुए थे। हम कहते थे डॉक्टर साहब से मिले आए जो है मिले तो दवा दे लें, और हम तीन चार दिन में तो पहले बार तो आराम धीरे समझ में आ, कहीं शरीर के अंदर कोई समझ में नहीं आता कि हाई पिराता हो गया था कुल एकदम दवा खाते खाते एकदम आयुर्वेदिक एकदम स्वस्थ हो गए शरीर हमारा। और लेकिन दवा हम छोड़ नहीं, दवा खाता चल रहा था। वो पहली बार आप आए थे याद है आपको? अरे वो तो है एकदम रोते रोते आए थे डॉक्टर के पास, और हमने जो है बताने से पहले डॉक्टर साहब कुल हमारा मर्ज बता दिए कि हाँ यह चीज़ गड़बड़ी है, वही गड़बड़ी है, बैठ जाते हैं दौड़ते दौड़ते। हाँ तो हमको डॉक्टर साहब तो पूरा हमारा शरीर के अंदर जो रोग वह आप बता देता हूँ तो हम कहाँ बताए, बस हमें बचा ला डॉक्टर साहब कहें चलो। आपके आँख में आंसू आ गया है, सोने लगे बहुत। हाँ अरे आप जो है कुल कह रहे कि ये मर्ज है वो है, हमने रोते रोते डॉक्टर साहब कहें घबराओ मत आराम हो जाएगा तुमको, मौत को मुहिम से तुम निकल के आ गए हो, वही दवा करे। अरे लाल जी भैया पहली बार मुलाकात हुई थी तो आप रो दिए मेरे बातों से? बहुत रो, चाय पिलाया, पानी पिलाया, जिंदगी से था बोला कि अब हम नहीं बचेंगे, मौत दिख रहा था। हाँ एकदम शक्ति नहीं था, मालिक ने हमको इस जगह भेज दिया, हम उसका दवा डॉक्टर साहब को करते करते अब ठीक हो गए, पहले की तरह हो गए, पहले की तरह हो गए, बहुत अच्छी बात है, पहले तरह हो गए। अब जो भी खाइएगा अपने एज के अनुसार खाइएगा, थोड़ा खाना है बार बार खाना है इसका ध्यान दीजिएगा। आप कह रहे हैं दो गिलास हम शरबत पीते हैं चना का उसका और जौ का, उसको भी दो गिलास जो पीना है ना उसको दो बार पीना है, आप दो घंटे ढाई घंटे बाद फिर एक गिलास पिए फिर सुबह जैसे मतलब एक पाव दूध पी लेते हैं मुंह हाथ धोकर के, उसके बाद जो है नौ बजे दवा खा लेते हैं। दूध तो पीना ही नहीं है सुबह, दूध में दलिया पका के पीजिएगा, एक बार दलिया उठा के पी लिए एक गिलास से, एक बार दूध तो पी लिए हर दो घंटे एकदम चौचक शरीर रहता है एकदम एकदम बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, उसमें नींबू डाल लीजिएगा, नींबू उसमें नींबू जीरा डाल लीजिएगा। चीनी डालते हैं कि नमक डालते हैं? नमक डालते हैं। हाँ तो उसमें जीरा डालेंगे और साथ में आधी नींबू डालेंगे, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा लगा लाल जी भी, आप ठीक हो गए बहुत। और क्या चाहिए? बहुत खुशहाल भाई परिवार खुशहाल हुआ हमारे, पापा हमारे बच गए हम भी खुश हैं। अगर किसी को रेखा आयुर्वेदिक से संपर्क करना हो 7897894910 पर संपर्क करें, और इस पद्धति का आयुर्वेद पद्धति का रेखा आयुर्वेदिक से संपर्क करें और अपने परिवार को बचावें, अपने दोस्ती अपने मोहल्ले समाज की रक्षा कर सकें, सब पे आप लोग
जिस जो भी दवा खा रहा है वे सभी लोग प्लीज़ अपने मोहल्ले को अपने परिवार को एक रास्ता दिखलाएं जिसमें लोग को लोगों का कष्ट दूर हो। शुगर ऐसा चीज़ है ना, आदमी को बेड पिला देता है, सारे ऑर्गेन्स ख़राब कर देता है। इसलिए मैं सोच सकती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे और आगे रेखा आयुर्वेदिक से संपर्क कराएंगे और लोगों की रक्षा करेंगे, शुगर वालों को बचाएंगे। थैंक यू।